नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ इंडिया 24x7 के एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे बड़ी तड़कती भड़कती एंटरटेनमेंट की दुनिया से वो खबर जो आ रही है वो ये है कि मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ ओमान और कुवैत ने पृथ्वीराज चौहान, जो कि अक्षय कुमार स्टारर और मानुषी चिल्लर भी हैं, इसके अंदर संजय दत्त भी दिखेंगे, सोनू सूद भी दिखेंगे, इस मूवी को बैन कर दिया है। बैन जो कराया है ये रीज़न दिया है कि इसमें जो है हिस्ट्री जो है डिस्टॉर्ट करके दिखाई गई है। बात तो सही कह रहे हो, जब आपको हिस्ट्री के बारे में बहुत अच्छे से मालूम है तो आप समझ जाओ कि तीर जो है सही निशाने पर लगा है। अब इस मूवी को जो कॉन्ट्रोवर्सीज मिल रही है दिन ब दिन, पहले जो है इस मूवी का नाम जो है पृथ्वीराज था, वो सम्राट पृथ्वीराज चौहान हुआ, वो ठीक भी हुआ, वो होना भी चाहिए था। अब मेरा कहना ये है कि जैसे इस मूवी को दिन ब दिन कॉन्ट्रोवर्सी पर कॉन्ट्रोवर्सी मिल रही है, ये इस मूवी को ब्लॉकबस्टर बनाकर ही मानेगी। आप कितनी भी इस मूवी को रोकने की कोशिश कर लो, जितनी भी इसका नेगेटिव पीआर हो रहा है, जब से ये मूवी का ट्रेलर आया है शुरू से इसका नेगेटिव पीआर हो रहा है, क्योंकि काफ़ी लोग हैं वो नहीं चाहते कि जो हिंदुस्तान की संस्कृति रही है, जो हिंदुस्तान की असली हिस्ट्री रही है, वो लोगों के पास जाए, खासकर हिंदुस्तानियों के पास। और इनका तो सिर्फ एक यही रीज़न है, क्योंकि ये मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, तो इनको तो लगेगा ही कि भाई हिस्ट्री जो डिस्टॉर्ट करके दिखाई, जबकि इनका कोई लेना देना भी नहीं है। मोहम्मद गौर जो था वो आपका अफगानिस्तान से था, वो यहाँ से इनका था भी नहीं कुवैत और ओमान से, पर ठीक है, एक थोड़ा उनको दिखाना है अपने बंदों के लिए कि यार हम भी खड़े होते हैं। अब आप ये देखिए, जितना जो लगाया जा रहा है इसका नेगेटिव पीआर करने में, उतना ही पॉजिटिव पीआर भी इसका हो रहा है। वो कैसे हो रहा है, अभी आप देखिए तो स्क्रीनिंग पे अमित शाह जी गए, योगी जी ने कहा है कि मैं भी इस मूवी को देखूंगा, और उन्होंने टैक्स फ्री कर दिया, और ये भी कहा है कि इस मूवी को और टैक्स फ्री कर देना चाहिए पूरे देश के अंदर। और आप मेरा पर्सनल ओपिनियन मानो, मूवी अच्छी होगी बुरी होगी उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एक बात जरूर है, इस मूवी में इतनी कंट्रोवर्सी हो गई है कि ये मूवी अक्षय कुमार की एक वन ऑफ द बेस्ट मूवीज़ या सबसे ज़्यादा सक्सेस दिलाने वाली मूवीज़ ये बनने जा रही है। आप ये लिख के ले लो, ये करियर उठा देगी अब अक्षय कुमार का, और अक्षय कुमार से अच्छा कोई नहीं जानता कि किस टाइम किसके ऊपर मूवी बनानी, कौन सा मुद्दा कब गर्म है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए अभी यही अपडेट्स आ रही हैं, अब जैसी कोई और अपडेट आती है, शायद हो सकता है ओमान और कुवैत कुछ प्रेशर पड़े इनके ऊपर, और ये जो क्योंकि काफ़ी इंडियंस हमारे वहाँ पर रहते, तो शायद इंडियंस हमारे कुछ वहाँ पर प्रेशर क्रिएट करते और ये मूवी रिलीज़ हो जाए। अगर रिलीज़ होती है, कोई अपडेट आती है, तो सबसे पहले हमारे इसी एंटरटेनमेंट के प्लेटफॉर्म पर आपको पता लगेगा। आप लोगों ने मुझे समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया 24x7।